नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों की खबर के साथ। बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी अपनी पहली लिस्ट कभी भी अनाउंस कर सकती है। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर जबकि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर, यानी कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में, सभी सीटों पर चुनाव समिति ने मोहर लगा दी है। हालांकि लिस्ट फिलहाल अब तक आई नहीं है, नामों की चर्चा चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए चौंका सकती है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी की पहली लिस्ट में 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 10 से ज्यादा सीटों और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। रात 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में सुबह 3:15 बज गए, चर्चा निरंतर चलती रही। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर किन चेहरों पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। खबरों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को मौका देने वाली है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवा होंगे। वहीं बीजेपी का फोकस 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटें जीतने पर भी है और पार्टी इस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। अब जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, बीजेपी टिकट बंटवारे में क्या फॉर्मूला अपना सकती है, कई सिटिंग एमपी का टिकट कट सकता है, दिग्गज और नए चेहरों को मौका मिल सकता है, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिल सकता है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से अपनी परंपरागत सीट टिकट मिल सकता है। छिंदवाड़ा सीट के लिए बीजेपी की एक खास स्ट्रैटेजी है, किसी बड़े चेहरे को छिंदवाड़ा से उतारने का प्लान है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र छिंदवाड़ा सीट ही थी जो बीजेपी को नहीं मिल पाई थी। साथ ही कुछ सिटिंग एमएलए को भी सांसदी के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, टिकट दिया जा सकता है। और अब बात करते हैं उम्मीदवारों की, तो कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के टिकट मिल सकता है, हमने आपको बताया, जबकि कुछ का टिकट कट भी सकता है। जी हां, विदिशा में अगर शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलता है तो रमाकांत भार्गव हो जाएंगे आउट। भोपाल में अगर नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारती है बीजेपी तो सिटिंग जो एमपी है साध्वी प्रज्ञा वो हो जाएंगी आउट। गुना की अगर बात करें तो गुना में केपी यादव सांसद हैं, लेकिन अगर पार्टी देती है सिंधिया को मौका तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से मैदान में उतरेंगे। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो 4 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान संभव है, कई सीटों पर नए चेहरे यानी कि नए प्रत्याशी देखने को मिल सकते हैं, 2 महिला उम्मीदवार भी हो सकती हैं जिन्हें मौका दिया जाए इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या क्या नाम है जो सामने आ रहे हैं, जब अब उन पर जरा गौर कर लेते हैं। बात करते हैं रायपुर के। सबसे पहले तो रायपुर से लक्ष्मी वर्मा या फिर सुनील सोनी, ये 2 नाम चर्चा में चल रहे हैं। देखना यह होगा कि जब औपचारिक ऐलान होगा तो फिर किसका नाम सामने आता है। दुर्ग से विजय बघेल या प्रकाश साहू, कांकेर से भोजराज नाग या राधेलाल नाग, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव या फिर अभिषेक सिंह, ये नाम चर्चा में चल रहे हैं। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट दे देंगे। अब बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश में यूसीसी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने यूसीसी पर केंद्र सरकार के निर्देशों पर पालन करने की बात कही, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। यूसीसी को लेकर पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने बयान दिया है। उनका कहना है कि इस मामले पर प्रदेश सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार के जो भी निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। यही नहीं, कृष्णा गौर ने ये भी जोड़ा कि यूसीसी के लिए एमपी की सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के दोहन करने के आरोप लगाए। निश्चित रूप से राज्य शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और केंद्र शासन के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है।
देश के अल्पसंख्यकों को यह बात बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में लंबे समय तक देश की सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यकों का दोहन करने का, शोषण करने का काम किया है और वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। उधर मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, साथ ही बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। यूसीसी पर बयान को कांग्रेस ने सियासी करार दिया, साथ ही ये दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में जनता बता देगी कि वो किसके साथ है। कृष्णा गौर जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जरूर है, पर उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा पहुंचे। अब इस तरह के बयान देना कि यूसीसी को लागू करेंगे, मुस्लिम वर्ग उनके साथ है, अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हर ऐसा बयान राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए देती है। यूसीसी का मुद्दा बहस के साथ ही नैरेटिव का भी केंद्र बना हुआ है, बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। 2014 में सरकार में आने के साथ ही इस मामले पर बहस शुरू हो गई थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब होने हैं, यूसीसी एक बार फिर से मुद्दा बनता देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जिस यूसीसी पर सियासत गरमाई हुई है वो यूसीसी है क्या? दरअसल देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून, ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत है। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, उत्तराखंड में भी यूसीसी को लागू कर दिया गया है और अब इसी यूसीसी पर मध्य प्रदेश के अंदर भी सियासत गरमाई हुई है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, गोवा में ये लागू है और साथ ही उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू कर किया गया है और प्रदेश देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां पर यूसीसी को लागू किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मुरैना पहुंचेगी। यात्रा के भव्य स्वागत के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां की हैं। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में 9 जिलों से गुजरेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल की ये यात्रा मध्य प्रदेश में अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का बड़ा मकसद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जमीन मजबूत करना और इंडिया गठबंधन में बढ़त बनाना है। तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। न्याय यात्रा मुरैना से दाखिल होगी और 9 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी 7 लोकसभा और 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। उज्जैन में वो बाबा महाकाल मंदिर जाएंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। वहीं राजगढ़ में वो खाट पंचायत करेंगे। राहुल किसानों की समस्या जानेंगे, साथ ही मौजूदा सरकार की नीतियों पर किसानों की राय जानेंगे। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर तंज कसा। बीजेपी का मानना है कि एमपी में इस यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही नहीं, कांग्रेस के लिहाज से लोकसभा चुनाव में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस के जो ये अयोग्य युवराज है राहुल गांधी जी, ये हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती हैं और इनकी जो ये एक्सपेक्टेशंस ये लेकर चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह की यात्राएं निकालते हैं, वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा का काम करती है। पिछली बार ये आए थे तो इन्होंने जाति का कार्ड खेला था, इन्होंने जाति के आधार पर लोगों को लड़ा दिया था, ओबीसी आरक्षण की मांग करी थी, तो इस बार देखते हैं ये क्या नया जुमला लेकर आते हैं। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोकसभा चुनाव और सियासत से अलग बताया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया, जनता से अन्याय हो रहा है और जनता को न्याय दिलाने के लिए राहुल यात्रा कर रहे हैं। ये जो आर्थिक अन्याय हो रहा है, ये जो विषमता फैली है समाज के अंदर, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। आज जो है समाज में चिन्हित कर करके आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, एक ही देश में रहने वाले लोगों को, क्योंकि फादर और चादर से बच के रहना ये नारा लगा रहे हो आप। ये जो विभाजन आप कर रहे हैं, ये जो घृणा आप जो फैला रहे हैं, इस अन्याय के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है और कांग्रेस इसी की न्याय यात्रा, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की यात्रा है। भले कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सियासी ना मान रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली गई यात्रा को जानकर भी सियासी ही मान रहे हैं। हालांकि एमपी के विधानसभा चुनाव में राहुल की यात्रा का ज्यादा असर नहीं दिखा, बीजेपी की प्रचंड जीत इसे साफ भी कर देती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल अपनी यात्रा से एमपी कांग्रेस के सियासी भाग्य को बदल पाएंगे? प्रशांत कटारे, न्यूज 18, भोपाल।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रवेश करेगी, तो कांग्रेस ने इस यात्रा की तैयारी क्या की है वो आपको बताते हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत यात्रा के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में 9 जिलों से गुजरेगी। मुरैना जिसमें है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, उज्जैन और फिर रतलाम होते हुए आगे बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल 700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से यात्राएं गुजरेगी। 4 मार्च को राजगढ़ में राहुल गांधी खाट पंचायत भी करेंगे, जहां वो 100 किसानों के साथ संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह 2 मार्च को मुरैना में प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों से होते हुए 9 जिलों से गुजरेगी और 7 लोकसभा सीटों से होते हुए 700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अलग दूसरे राज्य का फिर रुक कर लेगी। 4 मार्च को खाट पंचायत भी करेगी और इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर अंचल में प्रवेश कर रही है। राहुल के स्वागत में कांग्रेस ने ढेर सारे पोस्टर्स और बैनर्स लगाए हैं, लेकिन पोस्टर्स और बैनर्स से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गायब है। बीजेपी ग्वालियर में कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर तंज कस रही है, जबकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। मुरैना में कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों ने यात्रा के रास्ते पर खूब सारे होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगवाए हैं। ग्वालियर शहर में भी बड़ी संख्या में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तस्वीर गायब है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आलाकमान ने एमपी के संगठन में बदलाव किए थे। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब जबकि राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत एमपी में आ रहे हैं, तो पोस्टर्स में उमंग सिंघार की तस्वीर नहीं है। वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। कांग्रेस की जो परंपरागत बातें हैं उसमें किसी का फोटो गायब होना और किसी का लगना, इसमें अचरज कुछ नहीं है। अचरज तब होगा कि जब वो नीतिबद्ध तरीके से सभी के फोटो लग जाए। इसलिए कांग्रेस अपनी परंपरा का पालन कर रही है। कांग्रेस छोटे छोटे गिरोहों का समुच्चय है, मैं बार बार कहता हूँ। जिस गिरोह का सदस्य अपने पोस्टर लगाता है वो अपने गिरोह के सरदार का फोटो लगाता है। उधर कांग्रेस ने गुटबाजी से साफ इनकार किया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में अपनी खुशी से पोस्टर्स लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभी की फोटो लगाना ना तो जरूरी है ना ही संभव। कांग्रेस ने ये भी कहा कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। साथ ही जोड़ा है कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लोगों के दिलों में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी घृतराज की तरह अंधी हो चुकी है, ना तो उसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और ना ही राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा दिखाई दे रही है। सारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर उत्साहित है और वहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कभी कहती है पोस्टर पर इस नेता का फोटो नहीं है, कभी उस नेता का फोटो नहीं है। कांग्रेस के नेता जनता के दिलों पर राज करते हैं। उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं और इस दौरान दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा भी खुला था, तब उनके बयानों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के ठीक पहले सिंघार ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की थी और कहा यह गया था कि अब सब ठीक है। अब जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस खोई जमीन को पाने की जुगत में लगी है, तो ऐसे में गुटबाजी और अंतर्कलह लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।